प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही और साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर उनकी सरकार बनने का दावा किया है। प्रधानमंत्री ने रैली में कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद ओडिशा से जो संकेत आए हैं उससे साफ है कि दिल्ली में फिर एक बार मोदी सरकार और ओडिशा में भाजपा सरकार अब बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी रही है तो उस पैसे के सही इस्तेमाल की। पहले की सरकारों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे भेजे जा रहे हैं वो आप तक पूरे पहुंचे कि नहीं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इतने सालों तक यह भ्रष्टाचार चल रहा था लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब आपके इस चौकीदार की सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि सरकार अगर 100 पैसे भेजे तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो। भाइयों और बहनों, इतनी भीषण गर्मी में ये इतना बड़ा जनसैलाब, इतना जोश, ऐसी ही तस्वीरें जब टीवी के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रही है तब कई लोगों के होश उड़ रहे हैं। बड़े बड़े महामिलावटियों को इस चौकीदार के लिए आपका स्नेह, उनको समझ ही नहीं रहा है कि दो इस चौकीदार को इतना प्यार क्यों कर रहा। और ऊपर से पहले चरण की वोटिंग में ओडिशा से जो संकेत आए हैं उससे साफ है कि दिल्ली में फिर एक बार और ओडिशा में भाजपा सरकार।